एसटीएससी एक्ट के साथ फेरबदल करने पर राष्ट्रपति के नाम दिया गया पद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया रोष धानका समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति 1989 एक्ट को लेकर अपना नया फैसला सुनाया, जिस पर एसटीएससी समाज के लोग कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाएगी, मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। इसके चलते आज धानका समाज के लोगों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। समाज के लोगों का ये भी कहना है कि इस एक्ट पर फेरबदल करने से दलित समाज पर और अत्याचार होगा। बताएं, अजमेर धानका समाज की ओर से आज समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर अजमेर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। दिनांक 21 मार्च 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिकार अधिनियम में किए गए फेरबदल और गाइडलाइन के विरोध में आज समाज एकत्रित होकर दलितों के विरुद्ध जो ये कार्रवाई की गई है इसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। इस प्रकार की गाइडलाइन से इस अधिनियम की मूल भावना जो थी वो नष्ट हो गई है और दलितों पर अत्याचार और बढ़ेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि वो जल्द से जल्द इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करें। आपका नाम? लक्ष्मीकांत आर्य।